तो गाइस मार्वल ने अपने अपकमिंग 10 मूवीज की रिलीज डेट रिवील कर दिया है। कुछ मूवीज का नाम तो उन्होंने रिवील कर दिया है मगर कुछ का अभी बाकी है, जो मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग 10 अगस्त को होने वाली D23 में रिवील कर दिया जाएगा। तो गाइस अगर अपकमिंग अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस अभी के लिए 10 मूवीज पर आए थे, 2025 के लिए 4 मूवीज की अनाउंसमेंट किया गया है एंड इसके अलावा 2026 के लिए 3 मूवीज एंड 2027 के लिए 3 मूवीज। सबसे पहले जो मूवी होगी वह कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो 14 फरवरी 2025 को रिलीज होने वाली है। मूवी में दिखाया जाएगा सैम विल्सन, जो धीरे धीरे कैप्टन अमेरिका बनने की कोशिश कर रहा है अपने तरीके से, क्योंकि वो सभी की तरह मान चुका है वो भले ही कैप्टन अमेरिका हो पर स्टीव रॉजर्स नहीं। मूवी की पूरी प्लॉट का मेन सेंटर होगा पॉलिटिक्स और जिसकी शुरुआत होगा आईजीआई ब्रेडली के द्वारा प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करवाने के लेकर एजेलिक सिविल वॉर में बाकी ने किया था। तो मूवी में मेन फोकस किया जाएगा रेड हल्क के ऊपर, क्योंकि वही मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला है। बंदे लोग देखना तो चाहते हैं उसे, भले हमें हारे से मजे नहीं मिले लेकिन लाल ही सही। वैसे इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना। इसके बाद सेकंड में 2025 को रिलीज होने वाली है थंडरबोल्ट्स। ये मूवी बहुत ही खिचड़ी वाली होने वाली है, क्योंकि इस मूवी के कैरेक्टर्स को उनके साथ टीम अप करने पड़ेगा जो एक साथ रहकर एक ही डिसीजन पर खड़े उतर नहीं पाएंगे। लेकिन जो भी होगा देखने में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि इस मूवी का मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला है सेंट्री। उसके बाद 25 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली है फैंटास्टिक फोर। वेल, मुझे नहीं लगता कि इस टीम की कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। अब देखना यह है कि एमसीयू वाले इस टीम को कैसे प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्यूचर के लिए, क्योंकि इसी मूवी के साथ एमसीयू की फेज 6 की शुरुआत हो जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस मूवी में हमें डॉक्टर डूम दिखने वाले है एज ए मेन विलेन नहीं बल्कि उसके कैमियो। जैसे कि उसकी फेस या परछाई या किसी और यूनिवर्स से हाल की तरह कोई आकर टपकती है, बोले वो आ रहा है सबका डूम, डॉक्टर डूम। इसके बाद 7 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाली है ब्लेड। जी हाँ गाइज, ये मूवी कैंसिल नहीं हुआ है, ये मूवी फाइनली रिलीज होने वाला है 2025 को। डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद ये एमसीयू की सेकंड आर रेटेड मूवी होने वाली है। फाइनली गाइज, एमसीयू चमकती हुई आसमान को छोड़कर लाल लाल सूप पे ध्यान दिया है एंड थैंक्स टू रेनल्स दादा आपके लिए ये पॉसिबल हुआ है। एंड इस मूवी में एज मेन कैरेक्टर मार्शाला अली दिखने वाले है। अब देखना ये है कि इस मूवी का स्टोरी कैसा होता है। वैसे आप लोग इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। अभी अगर बात की जाए 2026 की, तो अभी के लिए एवेंजर्स डूम्सडे के अलावा कोई भी नाम रिवील नहीं किया गया, तो उनका नाम रिवील करते ही इंशाल्लाह एक और वीडियो ला दूंगा। तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करके एक कमेंट भी कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।